सो आप सभी का स्वागत है न्यूज ऑफ साइंस के एपिसोड नंबर 4 में। क्या हुआ, किसी चीज को मिस कर रहे हो? स्टोरी चाहिए? नहीं मिलेगा, हट। जब तक स्टोरी बनाया तब तक कोई लाइक ही नहीं आ रहा है, कोई लाइक मारता ही नहीं है। सबसे पहले लाइक करो तब आएगा स्टोरी वाले वीडियो। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो स्टोरी वाला आने वाला है, तो अनसब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब भी नहीं करते तुम लोग, सब्सक्राइब करो। चलते अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो नहीं, फर्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज नंबर 1, वॉल्केनोज जो मिलियंस ऑफ ईयर से एक डिफाइंड वे में फट रहे हैं, उनमें अनएक्सपेक्टेड चेंज से गुजरने की क्षमता पाई गई है। बट ये सब स्टार्ट होता है साइंटिस्ट के ग्रुप से। सो इस ग्रुप ने फाइंड किया कि ऐसे वॉल्केनोज में केमिकली डाइवर्स मैग्मा फाइंड किए जाते हैं जो इन्हें एनर्जी देते हैं लगातार फटने के लिए। और ये सब साइंटिस्ट को दो भाई ऐसा नाम कौन रखता है, जिसने भी ऐसा नाम रखा भाई पकड़ो उसको। बाय द वे ये सब साइंटिस्ट को गैलापागोस वोल्केनोस के मैग्मा को स्टडी करने के बाद पता चला है। बाय द वे ये सब भी इसी टाइप के वोल्केनोस है। सो अगर किसी को इस टाइप का मैग्मा मिलता है तो भाई मेरे घर कुरियर कर दो भाई, मुझे मोबाइल चार्ज करना है यार, लाइन नहीं इतने दिन से यार, बारिश हो रहा है, अंधेरे में रहना पड़ता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूज नंबर 2, चाइम यानी चचा विधायक है हमारे। ये कौन लिखा स्क्रिप्ट में? चाइम यानी कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग्स एक्सपेरिमेंट का कोलैबोरेशन ने 535 FRBs को अपने ऑपरेशन के पहले ईयर में फाइंड किया। एंड ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 2007 में पहली बार FRB को स्पॉट किया गया था एंड तब से बस 140 FRBs को स्पॉट किया गया है। बट इनके आने के बाद सीधा 535 एंड वो भी बस एक साल में। बाय द वे FRBs अजीब ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट्स है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो बैंड में रजिस्टर किया जा रहा है। और ये अजीब इसलिए है क्योंकि ये बस कुछ मिली सेकेंड के लिए ग्लो करते, उसके बाद गायब हो जाते बिना कुछ सबूत छोड़े। और उसके बाद भी उनका ओरिजिन अननोन है और दिखना हाईली अनप्रेडिक्टेबल। क्या ये कोई एलियन का सिग्नल्स तो नहीं? क्या आपका विचार है इसके प्रति, कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज नंबर 3, अ मेजर ग्लोबल इंटरनेट आउटेज जिसने ट्यूसडे को कई सारी वेबसाइट्स को ऑफलाइन कर दिया। उसका कारण फासली INC को बताया जा रहा है जो कि एक रियल टाइम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। और इस आउटेज में बहुत सारी हाई ट्रैफिक साइट्स जैसे कि द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइट एंड अमेजॉन भी ऑफलाइन हो गया था अराउंड एक घंटे के लिए। फास्टली ने तो कई सारे साइट्स का मजा ले लिया। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज नंबर 4, जर्मन एनवायरमेंटल ग्रुप ने बर्लिन के पास टेस्ला गीगा फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रांडनबर्ग एनवायरमेंटल अथॉरिटी को प्रोविजनल परमिट के ऑफिशियल ऑब्जेक्शन कर फाइल कर दिया है। ये ऑब्जेक्शन बेस्ड है क्लेम पे कि टेस्ला ने सारे प्रिकॉशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है पॉइजनस गैस को अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए। बट इसके बाद टेस्ला ने कहा कि वो इस लैंड का यूज बैटरी सेल को बनाने के लिए करेगा जिसमें कोई भी नेसेसरी परमिट की जरूरत नहीं है। सो अच्छा हुआ कि टेस्ला ने टॉपिक ही चेंज कर दिया क्योंकि अब इनका नाम पे भी कोई दाग नहीं आएगा एंड वो अच्छे से अपना काम भी कर पाएंगे। बट अगर ऐसा हो रहा था कि टेस्ला पॉइजनस गैस को रख रहा था बिना कोई अच्छे से प्रिकॉशन लिए हुए तो टेस्ला बहुत ज़्यादा गलत करने वाला था क्योंकि कुछ ऐसे ही केस हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में एंड उसका रिजल्ट सभी को पता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूज नंबर 5, गूगल दुनिया के सबसे लंबी अंडर वाटर केबल बनाने वाला है जो US के ईस्ट कोस्ट को अर्जेंटीना के लोस टोनियाना से कनेक्ट करेगा। इसके थ्रू गूगल साउथ अमेरिका के इंटरनेट कनेक्टिविटी को इन्हांस करने चाहता है। भाई जहाँ पे पहले से अच्छा इंटरनेट है वहाँ पे और क्या इन्हांस करना है, इंडिया को भी जरा देखो भाई गूगल। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज नंबर 6, एप्पल का WWDC 2021 इवेंट भी कंप्लीट हो गया है जिसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड
कमाल की चीज़ें अनाउंस की है और अपने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने प्राइवेसी को और भी कड़ा कर दिया है। भाई एप्पल ने तो दीवार के ऊपर दीवार बना दिया, जो कभी टूटा ही नहीं था उसे भी जोड़ दिया। प्राइवेसी एप्पल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसे उसने और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो एप्पल से रिलेटेड ही है इस बार का क्वेश्चन। सो इस बार WWDC में iOS का कौन सा वर्जन आया है? सो इसका आंसर लिखे कमेंट्स में, और जो सबसे पहले सही आंसर लिखेगा उसे मिलेगा शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। एंड शाउट आउट टू अंजन कुमार फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, वो तो करते ही नहीं हो कभी भी, बट इस बार कर दो यार, प्लीज। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर पिछला वाला न्यूज़ वीडियो देखना है तो इस पर ज़रूर क्लिक करें।